चित्रकूट मासूम जुड़वा भाइयों की हत्या के बाद लोगों में पुलिस प्रशासन और सरकार के प्रति आक्रोश है। बच्चों की हत्या के विरोध में आज सतना में मौन जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बड़ी संख्या में विपक्ष के नेता भी शामिल हुए। प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए शिवराज ने कहा कि ये पूरी तरह लापरवाही दर्शाता है। इस सरकार के आते ही माफियाओं का राज फिर से सक्रिय हो गया। घटना का दुख इतना है कि ये बयान नहीं किया जा सकता। और जनता की भी सुरक्षा का विषय है। इस मामले को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए और इस पूरे घटनाक्रम में मैं प्रदेश की सरकार से और मुख्यमंत्री से भी यह आग्रह करूंगा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। अपहरण हुआ, नगर में हुआ, सरेआम हुआ, बस में से उतार के बच्चों को ले गए, उसके बाद भी हम बच्चों को ढूंढ नहीं पाए, अपहरणकर्ता को पकड़ नहीं पाए, वो बच्चे चित्रकूट में ही रखे गए। इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल हो गया कि बच्चे कहाँ रखे थे, क्या चित्रकूट में बच्चे बचाए नहीं जा सकते थे। फिर पुलिस दावा करती रही कि सीमाएं सील है, लेकिन सीमा के बाहर भी बच्चे ले जाए गए और अपहरणकर्ता पकड़े नहीं गए। बातें की जाती रही सब सुरक्षित है, सुरक्षित आ जाएंगे, पकड़े जाएंगे। प्रभारी मंत्री बयान देते रहे कि जल्दी रिहाई होने वाली, कोई परिवार के ही शामिल है। ये उचित नहीं है, ये शर्मनाक। और इसके बाद प्रशासन की फेलियर के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण बच्चों की सुरक्षा का विषय है।